हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ केटेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था कोरल ड्रॉ, जिसमें हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे थे और उसमें हम शेपिंग्स के ऑप्शन से या फिर कुछ वेक्टर शेप्स के अकॉर्डिंग हम अपने डिज़ाइंस बना रहे थे। दोस्तों, हमारा चल रहा था फोटोज़ का एडिटिंग, जिसमें हम फोटो मैनिपुलेशन करके डिज़ाइन बना रहे थे। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि वेक्टर और रास्टर में क्या डिफरेंस होता है, और उसी के बेस पे हम हमारा डिज़ाइन वेक्टर में ट्रेस करेंगे कि हम किसी इमेज को ट्रेस करके उसको वेक्टर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कोरल ड्रॉ मैंने ओपन किया हुआ है, और उसके लिए अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ जो रास्टर इमेज होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक फोल्डर में ये रास्टर इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, नेट से आपको मिल जाएंगी। तो मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ और इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, रास्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको शायद पहले के ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं क्लियरली आपको बताऊँगा कि ये इमेज हमारी रास्टर किस लिए है। रास्टर और वेक्टर डिज़ाइन में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि आप जब किसी रास्टर इमेज को देखते हैं, तो उसमें आपको जब भी आप उसको जूम करेंगे तो वो एक हद तक क्लियर दिखेगी, उसके बाद उसके पिक्सल्स फटने शुरू हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो कि पिक्चर धुंधली हो जाएगी। अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करता हूँ तो अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लियर पिक्चर दिखती है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा हद तक जूम करूँगा तो देखिए इसके पिक्सल्स फटने स्टार्ट हो गए हैं और ये पिक्चर थोड़ी धुंधली भी हो गई है। मैं अगर इसको वापस जूम आउट करूँगा तो ये क्लियर पिक्चर हो जाएगी। किसी भी आप तरह से, कहीं से भी आप किसी भी एंगल से देखिए या किसी भी साइड से देखिए, जितना आप जूम करेंगे उतनी ज़्यादा ये पिक्चर आपको फटी हुई या पिक्सलेट हुए हुई मिल जाएगी। तो ये चीज़ अगर मैं वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहूँ, वेक्टर क्या होता है दोस्तों, अगर हम कोई शेप बनाते हैं, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया या स्क्वायर आप कह सकते हो, या फिर मैंने ये सर्कल बनाया, इन दोनों को मैं जैसे कंबाइंड या फिर वेल्ड कर देता हूँ। ये चीज़ मैं आपको पहले के ट्यूटोरियल्स में भी दिखा चुका हूँ, अगर आपको ट्यूटोरियल देखना है तो आप मेरा आई बटन देख सकते हैं, जिसमें मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। तो ये मैंने कुछ वेल्ड करके एक शेप सी बनाई और इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। अब कलर फिल जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे देखिए, मैं जितना इसको जूम करूँगा उतना ये क्लियर ही रहेगा, इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे या फिर इस शेप के पिक्सल्स फटेंगे नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर दिखेगा। बट अगर मैं रास्टर इमेज की बात करूं तो यहाँ पर आपको ये पिक्चर एक हद तक ही क्लियर नज़र आएगी, उसके बाद ये पिक्सलेट हो जाएगी या आप कह सकते हैं फट जाएगी। तो ये रास्टर और वेक्टर में डिफरेंस होता है। अब बात आती है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि मैं इस पिक्चर को वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है। मैं इसको सबसे पहले पी प्रेस करके सेंटर में ले लेता हूँ, ये मैं आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ कि हमारे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शंस का हम कैसे यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट को सेंटर में या राइट में या लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं, इसका ट्यूटोरियल भी मैं आई बटन में आपको दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि ये इमेज हमारे पास है, तो जब ये इमेज सेलेक्ट होगी, ध्यान रखिए ये रास्टर इमेज है, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और इसमें एक ऑप्शन आता है ट्रेस बिट मैप। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे बिटमैप इमेज, बिटमैप मेन्यू में भी क्विक ट्रेस दिख जाएगा, सेंट्रल लाइन ट्रेस दिख जाएगा, आउटलाइन ट्रेस दिख जाएगा, वही ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएंगे, क्विक ट्रेस, सेंट्रल लाइन ट्रेस और आउटलाइन ट्रेस। तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और बिटमैप मेन्यू में जाकर भी डायरेक्ट ऑप्शंस को चूज़ कर सकता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों कि हम इसको कैसे वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट की हुई है और यहाँ से ट्रेस बिटमैप में जाके मैं सबसे पहले यूज़ करता हूँ क्विक ट्रेस। क्विक ट्रेस जैसे ही मैंने किया तो ये देखिए एकदम से ट्रेस होके ये इमेज हमारे पास आ गई है, इस रास्टर इमेज के ऊपर ही हमारी वेक्टर इमेज आ गई है। मैं इसको ड्रैग करके राइट साइड में ले लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपका ये आएगा कि ये वाला हिस्सा यहाँ पे नहीं आया, आप इसको वैसे जो मैनुअल ट्रेस है वो करके देख सकते हैं, वो भी मैं भी आपको करके बताऊंगा। और ये देखिए ये एक इमेज आ गई है हमारे पास वेक्टर की।
अगर मैं अब इसके ऊपर जूम करता हूँ, यहाँ पे कर्सर ले जाके इस इमेज के ऊपर जूम करता हूँ, तो आप जितना भी इसको जूम कर लें इसकी पिक्सल्स नहीं फटेंगे और ये क्लियर इमेज रहेगी। और इसको देखेंगे तो आपके पास पिक्सलेट इमेज पहले से ही है। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया क्विक ट्रेस करके। अब मैं इसको अगर चाहूँ तो अनग्रुप कर सकता हूँ। अनग्रुप से इसके एक एक पार्ट अलग हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड हटाना है तो यहाँ से बैकग्राउंड हटा दूंगा, तो ये हमारे पास एक PNG टाइप की इमेज आ जाएगी, जिसको आप वेल ट्रिम या कंबाइन कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि इसका एक एक पार्ट आपका अनग्रुप हो चुका है। जैसे मैंने ये किया, इसका ये ब्लैक पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस तरह से आपकी सारी की सारी इमेज अनग्रुप होके इस तरह से अलग अलग हो जाएगी। मैं वापस अंडू कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप PNG इमेज को ले सकते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी डिज़ाइन के लिए। क्विक ट्रेस किया था मैंने इसको। अगर मैं इस इमेज को ट्रेस बिटमैप में जाके सेंटर लाइन ट्रेस करता हूँ, टेक्निकल इलस्ट्रेशन या लाइन ड्राइंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टेक्निकल इलस्ट्रेशन करता हूँ तो यहाँ पे भी एक पावर ट्रेस का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आपको लाइन आर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि इसकी लाइंस आपकी ट्रेस हो जाएंगी और आपको दिख जाएंगी। इसमें आप डिटेल स्मूथिंग और कॉर्नर स्मूथनेस की सेटिंग्स कर सकते हैं, जो मैं आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ। दोबारा आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं इसकी डिटेल्स अगर कम कर दूँ तो यहीं पर ही आपको प्रिव्यू भी मिल जाएगा। स्मूथिंग मैं इसकी कम ज़्यादा कर सकता हूँ और यहाँ से कॉर्नर स्मूथनेस भी बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये कुछ आ जाएगा। सेंटर लाइन की जगह मैं आउटलाइन कर सकता हूँ, तो उसका भी आप आउटलाइन का भी प्रीव्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आ जाएगा। PNG इमेज बन के आ जाएगी इसको। तो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको क्विक ट्रेस में बताई थी, वही चीज़ यहाँ पे से बन के आ जाएगी। आपको बस इनकी सेटिंग्स करनी है, डिटेल्स स्मूथिंग और कॉर्नर स्मूथनेस। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कलर्स का ऑप्शन। कलर का ऑप्शंस आप RGB में रखना चाहें या CMYK में करना चाहें। अगर आप प्रैक्टिस के लिए या फिर फोटोग्राफ बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं इस फोटो को, तो RGB का यूज़ कर सकते हैं कलर मोड। अदरवाइज आप फाइनल प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं, जो हार्ड प्रिंट होती है, उसके लिए आप CMYK यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी मर्ज़ी हो तो आप ग्रे स्केल या ब्लैक एंड वाइट में भी इस इमेज को रख सकते हैं। तो मैं अभी प्रैक्टिस में हूँ तो RGB में कर सकता हूँ इसको। RGB कलर मोड सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कलर 2 या 3 दे सकता हूँ, जितने आपको चाहिए। तो 2 कलर्स हम रख सकते हैं, R3, G3 और B3 का। सिमिलैरिटी मैं सॉर्ट बाय में कर देता हूँ। इसके बाद आता है दोस्तों एडजस्टमेंट। आप इसका इलस्ट्रेशन करना चाहते हैं इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फोटो रियलिस्टिक दिखाना चाहें तो फोटो रियलिस्टिक दिखा सकते हैं, या यूज सैम्पल मोड अभी मैं नहीं करता। अब यहाँ पे मैं सेटिंग में वापस आता हूँ तो नीचे आपको रिमूव बैकग्राउंड कलर आपको मिलेगा। अगर आप बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं रखना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। एंटायर इमेज से ये बैकग्राउंड कलर इसका रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप कोई स्पेसिफिक कलर रखना चाहें तो यहाँ से आप आई ड्रॉपर से चूज़ करके इसको हटा सकते हैं। आप ऑटोमेटिकली भी हटा सकते हैं और इस कलर आई ड्रॉपर से भी इमेज में से कलर को हटा सकते हैं। मर्ज एडजस्टमेंट, रिमूव ओवरलैप, ये आपको चेक रखना है। और डिलीट ओरिजिनल इमेज, अगर आप ये इमेज बना के ओरिजिनल इमेज को डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पे एक और वेक्टर इमेज हमारी बन के आ गई है, आप देखिए। और अब जो मैंने ट्रेस किया उसमें देखिए, क्विक ट्रेस में आपको ये वाला जो हिस्सा था वो देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जो मैंने आउटलाइन ट्रेस वगैरह की उसमें ये वाला पार्ट भी आपको देखने को मिल गया। मैं दोबारा इसमें करता हूँ काम, और यहाँ पे आउटलाइन ट्रेस में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हमने हाफ टोन में भी ये लो क्वालिटी इमेज का ऑप्शन चूज़ किया था। यहाँ पे आप लाइन आर्ट कर सकते हो। लाइन आर्ट से भी आप स्मूदिंग और यहाँ से कलर्स वगैरह की सेटिंग्स कर सकते हैं, जो हमने अभी यहाँ पे किया था पावर ट्रेस में। उसके बाद आप यहाँ पे लोगो कर सकते हो, लोगो की भी वही आपकी सेटिंग्स हो जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से क्विक ट्रेस कर सकते हो। और एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आप मैनुअल ट्रेस कर सकते हो। तो मैनुअल ट्रेस मैं आपको बता चुका हूँ कि आप यहाँ से बेजियर टूल या पेन टूल आप ले सकते हो। बेजियर टूल काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें खाली पॉइंट टू पॉइंट
ट्रेसिंग करनी होती है, तो मैं जैसे एक पार्ट की इसमें कर देता हूँ ट्रेसिंग, इसके नोज़ की। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ट्रेस। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इसकी नोज़ की ट्रेसिंग कर ली है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये वेक्टर आ चुका है, प्रोग्राम मेरा वेक्टर डिज़ाइन आ चुकी है मेरी, और यहाँ पे ये रास्टर इमेज है जो कि पिक्सेलेट हो रही है। तो इस तरह से आप मैन्युअली ट्रेसिंग करके भी काम कर सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंस सिर्फ इसलिए ये मैनुअल ट्रेस करके बताया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि आप ट्रेस करके और मैनुअली ट्रेस करके भी काम कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंस होता है कि अगर आप क्विक ट्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ पार्ट की ट्रेसिंग ओके नहीं मिलती है, अगर आप लोगो या फिर लाइन आर्ट करते हैं तो आप यहाँ से फुल इमेज को ट्रेस कर सकते हैं, और मैन्युअली भी आप यहाँ पे जाके बेजियर टूल से या पेन टूल से कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें मैनुअल ट्रेस में आपको एक चीज़ यही देखने को मिलेगी कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको यहाँ से डिटेलिंग सारी लेनी होती है, उसके बाद जाके आप स्मूथ कर सकते हो या फिर आपका पॉइंट टू पॉइंट आप ले सकते हो। लेकिन इसमें आप क्विक ट्रेस में या लाइन आर्ट में आप एक बार में ही सारी इमेज को पीएनजी इमेज विदाउट कलर भी बना सकते हैं या फिर कलर के साथ भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे अभी अनग्रुप है तो मैं इसको वापस ग्रुप कर देता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये पीएनजी इमेज बन जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप ट्रेसिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, किसी भी इमेज को आप रास्टर इमेज को वेक्टर इमेज बना सकते हो और अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर मेरा आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल केटेक ट्यूटोरियल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके डिवाइस पर सबसे पहले आपको मिल जाएँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।